दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज एक बार फिर से आपका ये छोटा भाई एक नए रिश्ते के साथ उपलब्ध है। दोस्तों आइए उस रिश्ते के बारे में हम आपसे बातचीत करते हैं। दोस्तों उससे पहले आपको छोटा सा एक परिचय दे दें अपने बारे में। हम रवि सर के ऑफिस से बात कर रहे हैं, हमारा नाम है रंजीश कुमार। दोस्तों आइए इस रिश्ते के बारे में आपसे हम बातचीत करते हैं। और दोस्तों खास बात यह है, ये चंडीगढ़ से रिश्ता है। दोस्तों चंडीगढ़ से ये रिश्ता है, तो जो भाई व्यक्ति चंडीगढ़ से हैं कृपया वो रिश्ते के लिए संपर्क जरूर कीजिएगा हमारे संस्था में। दोस्तों आइए दोस्तों उस रिश्ते के बारे में आपसे बात करते हैं। आपको लेफ्ट या राइट साइड में एक रिश्ता दिखाई दिया होगा या प्रोफाइल आपको दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों इसमें सब इंग्लिश में लिखा हुआ, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। आपका यह छोटा भाई आपको हिंदी में एक एक वर्ड बताएगा दोस्तों, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। दोस्तों हो सकता है किसी भाई बंधु को इंग्लिश पढ़ने में असुविधा होती हो, इसके कारण से हम लोग हिंदी में बताते हैं। दोस्तों तो दोस्तों आइए समय को देर ना करते हुए उस रिश्ते के बारे में हम जानकारी देते हैं। मैडम का नाम है सीमा। दोस्तों मैडम का नाम है सीमा, एज इनकी 47 ईयर्स है, यानी 47 साल इनका उम्र है। दोस्तों जो भाई व्यक्ति एजेड हो चुके हैं यानी या 49 साल तक के हो चुके हैं या मैक्सिमम हद से ज्यादा 50 साल तक हो चुके हैं दोस्तों, तो कृपया इस रिश्ते के बारे में जरूर ट्राई कीजिएगा। और हाइट की बात करें दोस्तों तो 5.6 इनकी हाइट है, यानी कद ऊंचाई की बात करें तो 5 फीट 6 इंच इनकी हाइट है। दोस्तों वर्क का बात करें, नॉट वर्किंग, मैडम कोई कार्य नहीं करती हैं, यह एक हाउसवाइफ बनकर रहेंगी दोस्तों या है। और दोस्तों कास्ट की बात करें तो मैडम एक राजपूत समाज से हैं। दोस्तों मैडम एक राजपूत समाज से हैं। सिटी की बात करें दोस्तों, नॉट यानी सिटी के बारे में स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हुआ है, तो मैडम से जब आप बात करिएगा रिश्ते के दौरान तो आप उनसे स्पष्ट कर लीजिएगा मैडम आपका जिला कौन सा है। दोस्तों स्टेट की बात करें तो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है जो दोस्तों। क्रिएट बाय सेल्फ, दोस्तों क्रिएट बाय सेल्फ यानी मैडम ने स्वयं खुद ही जानकारी हमारे संस्था तक पहुंचाया है। मैरिटल स्टेटस की बात करें दोस्तों, यस यानी मैडम की शादी हो चुकी है, मैडम को एक सेकेंड मैरिज की तलाश है, तो जो भाई व्यक्ति सेकेंड मैरिज की तलाश कर रहे हैं कृपया वो रिश्ते के बारे में जरूर जिक्र कीजिएगा, जरूर हमारे संस्था में कॉल करके एक बार राय अपनी जरूर लीजिएगा, हमारी राय आप दीजिए, ठीक है दोस्तों। और फैमिली डिटेल्स की बात करें दोस्तों, यानी फर्स्ट मैरिज से यानी जो इनकी पहले शादी हुई थी उनसे एक बच्चे हैं। और दोस्तों ये क्लियर नहीं है कि बच्ची है या फिर बच्चे हैं, मतलब सॉरी मेल है या फीमेल। दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूं कि आप मैडम से बात करिएगा तो ये जरूर स्पष्ट कर लीजिएगा कि मैडम बच्चे फीमेल है या फिर मेल है, ये मैडम मतलब पहले बाप के पास रहेगी बच्ची या फिर हमारे साथ रहेगी। दोस्तों एनुअल इनकम की बात करें तो नॉट है, यानी मैडम का कोई आय का स्रोत नहीं है। जब भाई मैडम कोई कार्य ही नहीं करती है तो इनका आय का स्रोत कहां से रहेगा दोस्तों, यानी ये कहीं ना कहीं अपने माता पिता के ऊपर निर्भर है दोस्तों। और दोस्तों खास बात यह है, यह एक घर जमाई का रिश्ता है, तो जो भाई व्यक्ति घर जमाई के रिश्ते के बारे में ट्राई कर रहे हैं और रिश्ते के बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों। क्वालिफिकेशन नॉट, मैडम की कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुई। दोस्तों एक मैडम का एक पर्सनल नंबर नीचे शो कर रहा है, हमने उसको ब्लर करके रख दिया है, इसके पीछे का कारण बहुत सारा है दोस्तों, जैसा कि आपको हमारे सर भी बताए हैं और हम भी बताए हैं इसके पीछे कारण क्या होता है, इसलिए नंबर हम लोग ब्लर करके रखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख लीजिएगा, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे देखें वीडियो, तो दोस्तों आप YouTube में जाकर सर्च कीजिएगा रिश्तों की दुनिया या श्रीराम मैरिज ब्यूरो। दोस्तों ये दोनों प्लेटफॉर्म पे आप सर्च कीजिएगा, इस पे क्लियर हो जाएगा, हमारे सर का हजारों वीडियो आएगा तो आप उस पे देखकर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों
आपका ये छोटा भाई आपसे इजाजत लेना चाहता है, एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार दोस्तों।